हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोनीपत में जिला परिवारवाद और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निपटान के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री के सम्मुख 16 समस्याएं रखी गयी, जिनमें से 14 समस्याओं का निपटान मौके पर ही कर दिया गया और 2 समस्याओं को आगामी बैठक के लिए पेंडिंग में रखा गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मूलभूत समस्याओं के समाधान को करने की पहली प्राथमिकता है और जिसमें बिजली है, पानी है, तरह तरह की समस्याएं, जिनका समाधान तत्काल किया जाता है। 9 तारीख को मैं बिहार जाने लगेगी, इलेक्शन में लगेंगे, पुलिस थे काम के लिए घूमेगी। मैं फिर एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने रिक्वेस्ट करी, कहने लगे 13 तारीख का इलेक्शन हो जाए पंचायत का, 14 को लड़की बरामद करवा दूंगा। अब उसकी ये हालत है कि बड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बच्ची, आर्या स्कूल की बच्ची, जैन स्कूल की बच्ची इस बाजार में 2 बजे से छुट्टी होने के बाद 3 बजे निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि एक आप सुझाव दो। सुझाव हमारी जो पुलिस चौकी है या कोई भी राउंड लेता है, पुलिस वाले 1:30 बजे से 3 बजे तक हमारे गुरथल अड्डे से और यहाँ तक राउंड ले और हमसे ये देखा नहीं। मेरे दोस्तों तो इस वक्त में देखा ही नहीं जाता किसी पर। उतना रहने दे कि जितना ये है, यदि तरक्की इस पर शासन नहीं करता। आपके जो आपने कहा पुलिस की गाड़ी काम करेगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शाखा दिया है मैनेजर, उसी रास्ते से कट तक नहीं गए। कानून अपने हाथ में, कानून अपना काम करेगा। अब माइनिंग को कोई चलने ही नहीं देगा, पी डब्ल्यू को नहीं चल देगा, मार्केटिंग बोर्ड को चल देगा, कहाँ चलेंगे? तो ये कहने के ऊपर से उठ जाएंगे। तो इस तरह से कानून को कोई हाथ मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।